हेलो दोस्तों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ दोस्तों आप इस वीडियो के जरिए मुझे सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे वीडियो में और बोलिएगा कि कौन सा आपको चाहिए किस तरह का कंटेंट चाहिए वो तो मैं प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो पे फ़िलहाल तो हम चलते हैं डायरेक्ट मैथ्स की क्वेश्चन पे क्लास सेवन का बिहार बोर्ड वालों के लिए ये बहुत अच्छे तरीके से आप कॉन्सेपचुअल क्वेश्चन है जो कि मैं ये बताऊंगा दो से पाँच तक का क्वेश्चन ये थ्री पॉइंट दो का प्रश्नावली का है समझे चलेंगे अब हम थ्री पॉइंट दो पर्शनावली को बनाने के लिए दोस्तों हम बिना लेट करते हुए बिना देरी किए हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं दोस्तों देखिए ये सारे क्वेश्चन है ये मैं आपको क्वेश्चन पहले बता देता हूँ दो नंबर क्वेश्चन है ये और सेकेंड नंबर क्वेश्चन है या थर्ड नंबर क्वेश्चन है या फोर्थ नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन को अब हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम सॉल्यूशन इसको दिखाएंगे है ना कि किस तरह से किए तो देखिए दोस्तों यहाँ बोल रहा है किसी वर्ग की भुजा 2.3 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा याद कीजिए है ना तो देखिए अब हम इस सॉल्यूशन की तरफ हम चलेंगे दोस्तों सॉल्यूशन जो मैंने किया है वो हालाँकि देरी ना हो इसके वजह से मैं शॉर्ट में ये आपको किया है चीज़ को मैंने आपको समझाने के लिए चीज़ पहले से कर लिया है ठीक है तो इसके लिए कोई दिक्कत करने की बातें नहीं है दोस्तों तो वैसे मैं करूंगा आगे कि मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा आप लोगों के सामने ठीक है फिलहाल अभी मैं ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ हल देखिए यहाँ पर उत्तर और हल हल यहाँ आप हिंदी में इसको हल बोलते प्रश्नों का हल करना है ठीक है अनुसार इसमें एक फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा क्या किया जाएगा इसमें प्रश्न के अनुसार जो बोला जा रहा है यहाँ पर एक फार्मूला उपयोग किया जाएगा जो कि है वो फॉर्मूला कौन सा है ध्यान से देखिएगा इसमें बहुत ही अच्छे से मैंने लिख करके आपको हिंदी में एक स्टेप में लिख लिख करके बच्चे को समझाने के लिए मैंने ये चीज़ कर दिया है देखिए दोस्तों क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भूजा क्या होता है भुजा गुने भूजा यानी कि दो भुजा की स्क्वायर स्क्वायर कब हम कहते हैं जब दो दो पेयर अप यहाँ आपको अंक को हम दो पेयर करके दोनों जोड़ा को जब हम एक बार लिखते हैं उस दोनों जोड़ा का दोनों अंक को अगर एक ही बार में लिखेंगे हम शॉर्ट में लिखेंगे तो उसको हम स्क्वायर में डालेंगे क्या करेंगे हम स्क्वायर में डालेंगे दोस्तों समझ गए तो क्षेत्रफल बराबर भुजा गुने भुजा मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि इधर भी मीटर इस पर भी मीटर होगा इस पर भी मीटर और इस पर भी मीटर होगा तो दोनों पर हम इसकी वजह से हम क्या है मीटर स्क्वायर करते हैं है ना स्क्वायर में हो जाता है दो डबल रहेगा तब उसको स्क्वायर में बदलेंगे हम समझ गए अब हम क्षेत्रफल बराबर ये तो हमने फॉर्मूला यानी कि सूत्र हमने लगा दिया अब यहाँ कह रहा है यदि वर्ग की भुजा दो पॉइंट तीन मीटर तो क्षेत्रफल क्या जैसा कि हम जानते हैं ये चीज़ हम जानते हैं क्षेत्रफल आपको भुजा गुने भुजा होता ही है मीटर स्क्वायर होगा तो मीटर में रहेगा तो मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो भुजा का स्क्वायर हमने डायरेक्ट यहाँ पर शॉर्ट में कर दिया अब समझ में आया कि नहीं यहाँ पे हमने शॉर्ट में कर दिया भुजा का स्क्वायर अब इसके बाद हमने किया टू पॉइंट फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव क्योंकि हम टू पॉइंट फाइव करके दिया हुआ सॉरी यहाँ पर आपको थ्री हमने कर दिया है तो यहाँ पर टू पॉइंट फाइव ले लीजिए समझे वहाँ हालांकि क्वेश्चन में किताब के क्वेश्चन के अनुसार अलग है क्वेश्चन समझे लेकिन उसी पैटर्न पर भी है इसमें केवल डिजिट बदल दिया गया है मतलब आपको अंक बदल दिया गया लेकिन है वही चीज़ है समझ गए तो हमने यहाँ पर कर लिया अब इसको दोनों को गुना करने के बाद छः यानी कि हम जो यहाँ पर पॉइंट जो शिफ्ट किए हैं या जो दशमलव बैठाए हैं बेटा यहाँ पर इसलिए बैठाए हैं कि पाँच इधर एक अंक इधर है एक अंक इधर है तो दो अंक हो गया दो अंक के बाद ही तो बैठेगा जब भी बैठेगा तो ये नहीं कि दोनों तरफ है पॉइंट तो दो दू गो पॉइंट नहीं एक ही पॉइंट बैठता है चाहे जहाँ भी बैठे केवल उसका अंक को काउंट कर लेंगे अभी एक अंक इधर है एक अंक इधर यानी कि दो अंक तो दो अंक के बाद हम पॉइंट को शिफ्ट करेंगे आई होप आपको बहुत अच्छे से यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा है ना तो हमने पहला क्वेश्चन का यह क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और इसलिए अंततः लास्ट में क्षेत्रफल का ज्ञात आपको छः पॉइंट दो पाँच मीटर स्क्वायर में आ गया आप समझ गए होंगे इसको बार बार आप रिवाइंड करके इसको देख सकते हैं दोस्तों उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा तो हम बिना देरी करते हो अब हम अगले क्वेश्चन तीसरा पे चलेंगे <kuh> देखिए तीसरा नंबर में क्या कर रहे हैं दोस्तों किसी त्रिभुज का आधार एवं आधार पर श्रस्लम श्री की लंबाई क्रमशः दो सेंटीमीटर एवं 1.5 सेंटीमीटर कितना है और 1.5 सेंटीमीटर है इसकी है ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो त्रिभुज यानी कि उसमें भी एरिया निकालने के लिए कहा जा रहा था दोस्तों क्षेत्रफल का मतलब होता है इंग्लिश में आप एरिया कहेंगे इसको और हिंदी में क्षेत्रफल कहेंगे तो आप तीसरा नंबर क्वेश्चन का हम सोलूशन के ओर चलेंगे है ना इसकी ओर चलेंगे देखिए दोस्तों ध्यान से देखते रहिए यार हमने क्या किया है किसी त्रिभुज की आधार तो देखिए आप क्वेश्चन तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे अब हम यहाँ पर चलेंगे हल रचना अनुसार जैसा कि हम जानते हैं फॉर्मूला तो हम अब आगे बढ़ेंगे कि ये किस तरह से सॉल्व करेंगे तो प्रश्न अनुसार जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर्मूला सूत्र इसमें उपयोग किया जाएगा सूत्र होगा इसका फॉर्मूला जो होगा वह सूत्र होगा या सूत्र किस प्रकार का होगा तो इस प्रकार का होगा एक बट्टा दो गुने आधार गुने लंब मतलब लंबाई लंब को लंबाई कहते हैं आधार इनकी बेस बोला जाता है इसको इंग्लिश में बेस इसको लंबाई हाइट बोलते हैं इसको है ना तो देखिए यहाँ पर एल्टीट्यूड भी हम बोलते हैं तो यह ट्राएंगल है ट्रैंगल यानी है, कि त्रिभुज में इस तरह का आपको सूत्र पढ़ाया जाता है सूत्र आपको लगेगा इस प्रकार हम चलेंगे इसको ज्ञात किया जाएगा क्या किया जाएगा इसको ज्ञात किया जाएगा देखिए एक बट्टा दो अगुने आधार कितना दिया गया है दो दिया गया है ना तो आधार जो है आपका दो सेंटीमीटर दिया गया है फिर एक पॉइंट पाँच सेंटीमीटर दिया गया है तो आपको हम पहले बताए थे सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर हमने कर दिया चाहे मीटर रहता है तो मीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है समझे तो हम बात करेंगे आप जो किस प्रकार हमने इसको काटा है यहाँ जानते हैं कि आपको बट्टा में नीचे आपको जो है ऊपर वाला कौन अंश बोलते हैं नीचे वाले को हर तो हर में आपको क्या है कि दो दोनों कट रहा है ऊपर नीचे तो आप जानते हैं कि गुना काटा जाता है हमेशा कटता है तो गुना में हम ऊपर नीचे दोनों को हमने कट किया है यहाँ पर देखिए दूसरे स्टेप में कट किया है कट करने के बाद देखिए यहाँ पर एक पॉइंट पाँच है और ये दोनों को कट करने के बाद आपको यहाँ पर कितना आया एक पॉइंट पाँच जब भी हम काटते हैं तो नीचे हमेशा वन माना ही जाता है ठीक है नहीं मानेंगे तो भी चलेगा ठीक है लेकिन हम यहाँ पर कट करने के बाद हमें जो डायरेक्ट आया है वो गुना करने के बाद एक से गुना किया हमने वन पॉइंट फाइव में तो आपका आंसर वन पॉइंट फाइव ही आएगा हम इससे ही भाग देने के बाद ही आंसर वन पॉइंट फाइव ही आएगा सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया क्योंकि डबल इधर का भी सेंटीमीटर इधर का भी सेंटीमीटर दो दो सेंटीमीटर मिलेगा तो क्या होगा स्क्वायर में होगा एरिया आपको हमेशा कोई भी चीज़ का आता है जो क्षेत्रफल आएगा वो क्षेत्रफल हमेशा या तो स्क्वायर में ही निकलेगा क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में ही, ही निकलेगा तो इसलिए अतः अंततः जो यहाँ पर हमने आंसर लाया है यहाँ पर उत्तर वो तो आपको मिला है क्षेत्रफल की जो ज्ञात किया गया है मान वो आपको एक पॉइंट पाँच एक दशमलव पाँच सेंटीमीटर स्क्वायर में है ना तो आपका आंसर था यह भी आ गया आप समझ गए आई होप मुझे आशा है कि आप अच्छे से समझे होंगे इस क्वेश्चन को चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलेंगे आप दोस्तों यहाँ पर चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर चौथा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि यदि सत्तर पॉइंट पाँच रुपये प्रति मीटर की दर से मतलब एक मीटर का जो है प्रति मीटर का मतलब हुआ एक मीटर समझे प्रति जहाँ भी लिखा रहा है वहाँ समझ लीजिए एक कितना समझ लीजिए एक समझ लीजिए है ना तो प्रति मीटर के दर से तो मीटर कपड़े का मूल्य निकालने के लिए बोला है कि तीन पॉइंट पाँच मीटर कपड़े का मूल कितना होगा तो अब हम बात करेंगे हल यहाँ पर कर रहे हैं प्रश्न अनुसार इसमें एक एक नियम की विधि प्रयोग होगा सही बात है एक एक नियम की विधि प्रयोग होगा हमने यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कुछ गलत सा हो गया था इसलिए मैंने इधर किया है देखिए यहाँ पर साफ साफ आपको वहाँ पर कटकुट था इसलिए मैंने अच्छे से किया इधर देखिए प्रश्न अनुसार यहाँ पर देखिए आपको हल मिलेगा यहाँ पर कि आपको एक मीटर कपड़ा का मूल्य यहाँ हो गया तो आपको तीन पॉइंट पाँच मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा एक का तो हमने निकाल लिया तो हमको जब ज़्यादा का निकालना है तो गुना करना पड़ेगा उससे हम गुना करेंगे ना भाई जैसे हमको अगर ए, एक चप्पल का मूल्य पाँच रुपया है तो अगर पाँच चप्पल का मूल्य अगर निकालने के लिए बोला जाएगा तो क्या करेंगे हमको गुना करना पड़ेगा एक का उतना तो पाँच का यानी कि पच्चीस पच्चीस गुना तो उसी प्रकार से जितना हुआ उन दोनों में मीटर से गुना करना पड़ेगा आपको जितना है उसका मूल्य एक का उतना से उतना मीटर में हम गुना कर देंगे तो दोस्तों हमने गुना किया है यहाँ पर सिंपल से चीज़ आप समझिए यहाँ पर गुना किया है ठीक है अब यहाँ हम बात करें यानी कि यह जो है आपका इतना गुना करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा इतना रुपये में उसका जो कपड़ा का जो मीटर जो है इतना मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा चौबीस बोला जा रहा है दो सौ छियालीस पॉइंट सात पाँच हो जाएगा रुपया में आपका क्या हो जाएगा टोटल कपड़े का मूल्य आ जाएगा प्रश्न अनुसार पाँच की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पाँच में कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल जो है वह एक लीटर पेट्रोल से बोला है कि एक लीटर पेट्रोल से कितना पचपन पॉइंट सात पाँच किमी किलोमीटर किमी का मतलब तो किलोमीटर जाती है यदि तेल टंकी में अगर दो पॉइंट सात पाँच जीरो पेट्रोल उतना लीटर अगर पेट्रोल डाला गया यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट वाली बात है इतना लीटर इतना पेट्रोल डायरेक्ट बोल दिया तो पेट्रोल यानी कि लीटर में ही होगा तो इतना लीटर पेट्रोल उसमें गाड़ी में है तो अगर इतना लीटर पेट्रोल के द्वारा कितनी अधिकतम दूरी तय करेगी कितना जब इतना पेट्रोल है तो इसमें कितना करेगी तो आप जानते हैं कि सीधी सी बात है जब एक में इतना कर सकती है तो हम क्या करेंगे इससे गुना करना पड़ेगा हमें हमें गुनाह करना पड़ेगा इससे इसमें तो हम अब यहाँ पे चलेंगे देखिए प्रश्न के अनुसार यदि मोटरसाइकिल एक लीटर पेट्रोल में इतना जाता है जाती है तो इतना रुपए पेट्रोल में इतना रुपए इतना सॉरी इतना लीटर पेट्रोल में इतना गुने इतना किलोमीटर जाएगी है ना? कितना जाएगी इतना इतना लीटर में इतना जाएगी है ना? कितना किलोमीटर जाएगी जब इतना इतना में जा रही तो इतना किलोमीटर इतना में जाएगी हमने जान लिया यहाँ पर कुल हमको गुना करना पड़ेगा क्योंकि हम अगर मान लिया जाए कि एक किलोमीटर हम जाते हैं दो मिनट में तो दो किलोमीटर हम कितना मिनट में जाएंगे तो गुना करना पड़ेगा उसी प्रकार से यहाँ पर भी ना में तो उतना गुना करना पड़ेगा आई हैव दोस्त आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आएंगे तो दोस्तों हमें कमेंट में फिर से कहिएगा कि किस तरह से हमें और मैं दोबारा फिर से इस वीडियो को रिवाइंड करूंगा और बार बार आप देखिएगा उसके बाद आपको समझ में आ जाएगी ये दोस्तों आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिया है तो चलते हैं जहन दोस्तों अब अगले अगर वीडियो के इंतज़ार आप करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें आप बेलाइकन को दबा दें और सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इस तरह का वीडियो हमें आया है तो दोस्तों हम न देरी करते हुए शॉर्ट में ही आपको आप ज़्यादा बोर ना हो दोस्तों इसको एंजॉय करके आप पढ़ें जय हिंद दोस्तों